डिनर में क्या खाएं? अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो डिनर के लिए आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा यार क्या खाना चाहिए। मैं रोटी बंद कर देता हूँ, राइस बंद कर देता हूँ, यू नो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि एक रोटी खाता हूँ या खाता ही नहीं हूँ, रात में खाना ही बंद कर देते हैं यार कुछ लोग। तो ऐसा नहीं होता गाइस, फैट लॉस एक तरह से उसमें खाना खाना होता है आपको। आप किसी भी फूड को ऐसे बंद नहीं कर सकते, आपकी बॉडी को फूड चाहिए टू सर्वाइव। आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, इनको फ्यूल चाहिए। तो आप ऐसे कभी खाने को बंद नहीं कर सकते। मिनरल्स विटामिंस कहां से मिलेंगे आपको? तो डाइट आपको लेनी है, बट सही तरीका आपको पता होने चाहिए। तो आज का वीडियो है डिनर में आपको क्या लेना है, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा फैट लॉस प्रोग्राम देखा है, मेरी जर्नी देखी है, तो आप ये बिफोर फोटो देख सकते हो या आफ्टर फोटो देख सकते हो। इसमें आपको दिखेगा कि मैंने कितना फैट लॉस किया है। तो मैंने 12.5 किलो अभी तक कम कर चुका है। मैंने स्टार्ट किया था 77.46 से स्टार्ट किया था और अभी मेरा है 65 kg, तो ऑलमोस्ट 12.5 किलो मैंने कम कर चुका है। सो यहाँ पे मैं बताने वाला कि मैंने अपने इस जर्नी में, 4 महीने की जर्नी में, मैंने क्या कंज्यूम किया है। So, hey what's up YouTube family, welcome back to my YouTube channel. I'm your host Nikhil Kohli, fitness coach and fat loss expert. आज हम बात करने वाले हैं डिनर के बारे में कि डिनर में आपको क्या लेना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। So, सबसे पहले बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेज हो तो आपको क्या इसमें लेना है, अगर वेजिटेरियन हो तो क्या लेना है, उसका मैं ऑल्टरनेट बता दूंगा आपको, बस इतना सा है। So, guys, सबसे पहले हम यहाँ पे राइस या रोटी, जैसे कि मैंने इससे पहले लंच वाली मील में ही बताया था, अगर आपने वो देखी होगी, तो मैं अभी तक के 4th meal है हमारी पूरी फैट लॉस में। तो यहाँ पे आपको 70 ग्राम राइस या 70 ग्राम रोटी आप ले सकते हो, जो भी मैं बता रहा हूँ ये अनकुक्ड है। तो आप पहले देख लें कि 70 ग्राम राइस जो अनकुक्ड है कितना है और उसमें कितना बन रहा है, उसके बाद आप देख लो आफ्टर भी वो कितना हो रहा है। और ऐसे सेम गोज आटे के साथ है, आटा को देखो आप 70 ग्राम कितना हो रहा है और उसमें कितनी रोटियां बननी है। तो ये 70 ग्राम राइस में या रोटी में आपको 228 कैलोरीज आपको मिलेगी और इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा 0, बट इसमें आपको कार्ब मिलेंगे 39 ग्राम, फैट 0। इसके बाद आपको लेना है 50 ग्राम ऑफ राजमा। आपको इसमें राजमा ऐड करनी है या आप इसमें चना ऐड कर सकते हो या एनी दाल आप ऐड कर सकते हो। तो 50 ग्राम आपको चना या दाल या राजमा से मिलेगा आपको 180 कैलोरीज। प्रोटीन आपको मिलेगा 15 ग्राम, कार्ब आपको मिलेगा 30 ग्राम, फैट मिलेगा आपको 0। और प्रोटीन के लिए एक चीज और आपको एड ऑन करनी है यहाँ पे, या तो आप 75 ग्राम चिकन ऐड कर सकते हो या आप यहाँ पे 6 egg white ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें से आप दोनों में से कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, इसमें आपको 20 ग्राम तक आपको यू नो प्रोटीन आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। साथ में आप यहाँ पे कर्ड भी यूज करोगे, यहाँ पे 100 ग्राम आपको कर्ड लेना है जिसमें आपको 63 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। प्रोटीन आपको मिलेगा इसमें 4 ग्राम, कार्ब आपको मिलेगा 30 ग्राम और फैट मिलेगा आपको 0। तो ये गाइस ये था पूरा डिनर का मील। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने आपको अंडे बताया या चिकन बताया, तो उसके ऑल्टरनेट अगर आप वेज हो, दोनों चीज नहीं खा पा रहे हो, मैंने यहाँ पे पहले बता दूं, मैंने या तो 75 ग्राम चिकन बोला है या तो अंडे बोले, दोनों में से एक चूज करना है। वो राजमा वो तो है ही इस मील में, बट जो अंडा मैंने बताया या चिकन बताया उन दोनों में से एक चीज लेना। अगर आप दोनों ही नहीं ले सकते हो तो आप सोया चंक ले सकते हो। सोया चंक कितना लेना है, 40 ग्राम आप ले ले, 40 या 50 ग्राम ले ले, दोनों में से चल जाएगा, ठीक है। ये वेज का मैंने बता दिया आपको, कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए ये मैंने बताया। तो ये डिनर था, इसमें आपको जो टोटल कैलोरीज आपको मिलेगी 650 कैलोरीज मिलेगी, क्योंकि इतनी हाई इसलिए क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक थोड़ा लो कैलोरीज में हो, आपका डिनर ही थोड़ा हाई है, बट इवनिंग की स्नैक भी कम है, सुबह का मील भी थोड़ा कम है, रात में क्योंकि आपको पता है पूरा रात भर सोओगे तो अच्छी खासी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलते रहेंगे, इसलिए मैंने ये थोड़ा रात का मील ज्यादा कर रखा है। तो ये था डिनर और इसको आप फॉलो करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहली चीज बता दूं कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको वीकली, सेकंड वीकली ऐसे करके आपको रिजल्ट पता चलेंगे। वीकली अपना बॉडी मेजरमेंट करते रहना, उसी पे डिपेंड रहना, ज्यादा वेट पे फोकस ना करने के बजाय अपने मेजरमेंट का, अपने वेस्ट का जो साइज है वो जरूर देखें सेंटीमीटर में, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आधा सेंटीमीटर कम हो रहा है कम हो रहा है, तो उससे आपको ओवरऑल पता चल सकता है कि वेट लॉस आपका कैसा चल रहा है। सो ये डिनर था, होप आपको ये डिनर अच्छा लगा, मील अच्छा लगा। तो इसका ब्रेकफास्ट का वीडियो देखे, डिनर का भी वीडियो देख लिया आपने, लंच का भी मैंने बनाया है, स्नैक का भी मैंने बनाया है। तो इन चारों मीलों को देखें और इनको फॉलो करना स्टार्ट करो, और वर्कआउट प्लान भी हमने डाला हुआ है वो भी आप देख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक ओवरव्यू भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैंने इनमें क्या क्या गलती थी जो उसको सुधारा, और चीजों को कैसे मैंने फॉलो किया है, कैसे डाइट को मैंने वो किया है, उन सभी के बारे में बात करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।